बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। बानी वहां न पसरी, वह शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके ना एक सुकन, पर सुन सके ना एक सुकन। यहाँ से फारक भए 16 के साल, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्राणधार सुंदर साहब जी। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया, कैसे सुंदर साथ की जागने की इच्छा से श्री मिहिर राज जी ने राजा के वहाँ वजीर का कार्यभार संभाला, किस तरह से बिहारी जी की चुगली पर उन्हें नज़रबंद किया गया और वहाँ पर किस तरह से उन्हें युगल स्वरूप का दर्शन हुआ, कैसे वाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ, वाणी को बिहारी जी के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने किस तरह से वाणी का प्रचार करने से रोक दिया, वहाँ तक की बीतक सुनी थी हमने कल। अब आगे चूँकि बिहारी जी ने आदेश दिया कि देवचंद्र जी ने कभी कविताएं लिखी नहीं थी, तो तुम इस तरह का कार्य तुम बंद करो, फिर बिहारी जी ने सोचा कि अगर ये यहीं पर रहते हैं हमारे पास में तो सुंदर साथ के बीच में कभी ना कभी तो ये बात उठेगी और कभी ना कभी सुंदर साथ इस बात की मांग कर सकते हैं कि बिहारी जी को गादी पर हटा करके गादी से मिहिर राज जी को गादी पर बैठाया जाए। तो इस डर से त्रस्त होकर के उन्होंने श्री जी को आदेश दिया कि आप जाइए जूनागढ़ नाम का एक स्थान जो गुजरात में पड़ता है, उन्होंने वहाँ पर गांव बसाने के कार्यभार को सौंप करके श्री जी को भेज दिया। श्री जी बिहारी जी और समस्त सुंदर साथ से विदा लेकर के विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ पहुँचते हैं और वहाँ पर एक घटना घटित होती है जिस घटना का वर्णन श्री लालदाह जी की बीतक में तो स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन वृत्तांत मुक्तावली तथा अन्य बीतकों में आता है कि जब बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया था तो बिहारी जी ने नियम बनाया था सुबह शाम दोनों वक्त उनका दर्शन करने के लिए तथा उनकी अमृतवाणी को सुनने के लिए सुंदर साथ का उपस्थित होना अनिवार्य था। तो नौतनपुरी से 2 कोश की दूरी पर एक गरीब किसान सुंदर साथ रहा करते थे और 2 कोस की दूरी काफ़ी होती है जिसमें एक बार आने जाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। 2 कोस का मतलब लगभग 6 किलोमीटर होता है शायद, तो एक बार जाने आने में समय व्यतीत हो जाता है काफ़ी लंबा और दो बार आ पाना एक गरीब किसान के लिए संभव नहीं था क्योंकि उन्हें घर का खेत का काम भी करना होता था। तो उन्होंने बिहारी जी से अर्जी की कि धामधनी बिहारी जी महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं केवल एक ही बार दर्शन और चर्चा सुनने के लिए आ पाऊँगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और दोनों समय में आ नहीं सकता। अब बिहारी जी ने सोचा कि मेरी आज्ञा की अवहेलना कोई कैसे कर सकता है, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें दोनों बार आने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुम्हें सुंदर साथ से तथा परमधाम से बहिष्कृत करता हूँ, तुम्हें अब एक बार भी आने की आवश्यकता नहीं है। अब सुंदर साथ ने सोचा कि भूखे रहा जा सकता है, बिना
खेती किए किसी तरह से गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर हमें परम धाम से ही निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा। चूंकि उस समय वाणी सुंदर सात के पास उपलब्ध नहीं थी, और ये घटना तो वाणी के अवतरण होने से पहले की है। आज हमने वाणी पढ़ा तो हमें पता है कि राजजी स्वयं भी ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती है, सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती है। अगर सूर्य में किरणें ही ना हो तो सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चंद्रमा में चांदनी ना हो तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टियाँ तो राज्य के ही अंग हैं, अगर अंग ही ना रहे तो अंगी का अस्तित्व कैसे हो सकता है। इसलिए अब सभी सुंदर साथ भ्रम में है, सब डरा करते थे कि बिहारी जी कहीं हमें परम धाम से निकाल ना दें। अब उस सुंदर साथ के लिए तो फरमान सुना दिया उन्होंने कि अब मैंने तुम्हें परम धाम से निकाल दिया है। उस सुंदर साथ ने बिहारी जी से निवेदन किया, विनती की कि आप मुझे कृपया परम धाम से ना निकालिए, मैं दोनों वक्त आऊँगा, किसी भी तरह से मैं आ जाऊँगा। अब बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मेरा आदेश मैं स्वयं भी नहीं डाल सकता। सुंदर साथ पूरे एक हफ्ते तक बिहारी जी के दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे, अनुनय विनय करते रहे, लेकिन बिहारी जी का कठोर हृदय नहीं पसीजा, नहीं पिघला। अब इन्होंने सोचा कि मिहिरराज जी की बात शायद बिहारी जी न टालते होंगे, तो उन्होंने सोचा मिहिरराज जी से जाकर के मैं विनती करता हूँ। मिहिरराज जी के घर पहुँचे तो उस समय मिहिरराज जी तो स्वयं राज्य कार्य से दीवानगिरी का जब काम कर रहे थे तो वहाँ पर गए हुए थे। बिहारी जी, मिहिरराज जी का पहले ही विवाह हो चुका है फूलबाई जी के साथ में, तो फूलबाई जी ने देखा कि एक सुंदर साथ है भूखा लग रहा है, उन्हें बिहारी जी के आदेश के बारे में शायद ज्ञात नहीं था, तो उन्होंने उस सुंदर साथ को भोजन कराया पहले और फिर कहा कि मिहिरराज जी आएंगे तो आप उनसे मिल लेना। अब ये खबर किसी तरह से बिहारी जी के पास पहुंच चुकी है कि मिहिरराज जी की पत्नी ने उस सुंदर साथ को खाना खिलाया है, भोजन कराया है, जिसको बिहारी जी ने, धामधनी महाराज ने परम धाम से निष्कासित कर दिया है। तो अब बिहारी जी मिहिरराज जी के प्रति भी कठोर हो गए। उन्होंने, जब मिहिरराज जी शाम के समय में प्रणाम करने के लिए आते हैं, बाहर नागजी भाई द्वारपाल बन करके खड़े हैं, उन्होंने मिहिरराज जी को अंदर जाने नहीं दिया चूंकि बिहारी जी का आदेश था। मिहिरराज जी ने कहा मुझे अंदर जाने दीजिए, बिहारी जी ने कहा कि तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो तुम धर्म छोड़ो, परम धाम छोड़ो, या तो तुम अपनी पत्नी को छोड़ो। अब ये सजा वैसे दोनों के लिए थी, धर्म छोड़ नहीं सकते थे मिहिरराज जी, और पत्नी को छोड़ना बिना किसी गलती के अगर फूलबाई का परित्याग करते हैं तो वो भी धर्म संगत नहीं है। ऐसी अवस्था में श्री मिहिरराज जी धर्म संकट में है, तो उन्होंने ऐसी अवस्था में भी धर्म का ही चयन किया और उन्होंने कहा कि मैं धर्म के लिए, आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए, मैं अपनी लौकिक संबंध जिनके साथ है उनका भी परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने पत्नी का परित्याग किया। फूलबाई जी को भी पता है कि मेरे पति जो कर रहे हैं वो धर्म संगत है, उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। हाँ, वियोग किया, श्री जी के विरह में उन्होंने कुछ समय के बाद में अपना तन छोड़ा, और उसके बाद उनके अंदर जो आत्मा थी वह आत्मा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्री जी जूनागढ़ पहुँचे हैं, जूनागढ़ में तेज कुमारी जी के अंदर उस आत्मा ने प्रवेश किया है। ऐसी इस प्रसंग को मैंने इसलिए शुरुआत से दोहराया क्योंकि इस प्रसंग में बहुत सारे सुंदर साथ और अधिकांश सुंदर साथ ये बात किया करते हैं कि उस समय में एक लगभग 4 साल की बालिका थी और जिन्होंने मिहिरराज जी को देख करके घूंघट काढ़ लिया था, और इसीलिए जब उनके पिताजी ने पूछा
कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस बालिका ने कहा कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति थे। तो उनके पिताजी ने, तेज कुमारी जी के पिताजी ने मिहिरराज जी के पास जाकर के प्रस्ताव रखा विवाह का, और मिहिरराज जी ने विवाह किया। ऐसी भ्रांति समाज में प्रचलित है, जबकि वास्तविकता अगर आज भी हम तर्कसंगत दृष्टि से देखते हैं, चूंकि श्री जी पहुँचे हैं विक्रम संवत 1716 में, सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ है 1712 में, तो इस बीच में केवल 4 वर्ष की अवस्था गुजरती है। तेज फूलबाई जी के धाम गमन के पश्चात अगर तेज कुमारी जी का जन्म मान लिया जाता है, तो 4 वर्ष की आयु में कदापि संभव नहीं है कि किसी बालिका के अंदर विवाह का विचार आए। जिस तरह से जब ब्रजमंडल में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ आई थी, तो उन्होंने किसी गर्भ में प्रवेश न करके जो पहले से ही जन्मी हुई गोपियाँ थी, जो पहले से ही विवाहित थी, उनके तनों में आकर के प्रवेश किया। ये बात तो सभी सुंदर साथ स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे और मानेंगे कि आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं आती है। तो तेज कुमार जी की आयु केवल 4 वर्ष की मानना कहीं तरह किसी भी तरह से तर्कसंगत युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। और इस तर्क में मैं एक और ठोस बात बीतक से ही जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आगे एक प्रसंग आता है कि जब कुतुब खान की मुहिम पर मिहिरराज जी को, श्रीजी साहेब को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस समय में कांजी भट्ट उनको बचाने के लिए तेज कुंवर जी के वस्त्र पहन करके जाते हैं। और ये अब से 1 साल बाद की घटना है। सोचिए कि कांजी भाई एक 5 वर्ष की बालिका का वस्त्र पहन करके कैसे जा सकते हैं। 5 वर्ष की बालिका के वस्त्र तो किसी भी तरह से एक युवक अथवा एक जवान सुंदर साथ को किसी भी तरह से तो नहीं आ सकती। तो इससे स्पष्ट है इस प्रमाण से कि तेज कुमार जी की आयु उस समय में 4 साल की नहीं थी। हाँ, कितने वर्ष की थी ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि विवाह युक्त उनकी अवस्था थी, विवाह होने योग्य। और फूलबाई जी का तन छोड़ने के पश्चात उनके अंदर की आत्मा ने तेज कुमार जी के तन में प्रवेश किया था, और उसी आत्मा के कारण ही उन्होंने श्री जी को देखते ही अपना घूंघट डाल लिया, पर्दा किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे, जिसके कारण उनके साथ श्री जी का मिहिर राज्य का विवाह हुआ। अब 1716 में श्री जी जूनागढ़ पहुंचे हैं, वहां पर 16, 17 और 18 इतने वर्षों तक रहते हैं। और जूनागढ़ में एक सुंदर साथ हैं जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूं अभी, कांजी भाई, जिनको इससे पहले भी हबसे के जेल में जाने से पहले भी मिहिरराज जी ने सुंदर सात की सेवा के लिए नियुक्त कर रखा था। अब कांजी भाई वहाँ पर हरजी व्यास जी के यहाँ नौकरी कर रहे थे। हरजी व्यास उस समय में भागवत के प्रकांड विद्वान थे, और न केवल भागवत के बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों के भी विद्वान माने जाते थे। और व्यास जो शब्द है उसका प्रयोग अपने समय के सबसे बड़े विद्वान के लिए किया जाता था पहले। तो उनके वहाँ जब कांजी भाई नौकरी कर रहे थे, उन्होंने एक घटना देखी कि हरजी व्यास जी की अवस्था ऐसी हो गई थी कि सब लोगों ने सोचा अब ये नहीं बचेंगे। तो उनकी अवस्था को देख करके घर वाले लोग दान कराने लग गए। उस कृत्य को देख करके, घर वालों की ऐसी चाल को, ऐसी रहनी को देख करके हरजी व्यास जी ने मना किया कि तुम ये दान क्यों करा रहे हो। कहते हैं, क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन, मैं ना ही इन इंद का मेरा क्यों कल्पाओ मन। कहते हैं, मेरे लिए दान क्यों करा रहे हो, ये तो यमपुरी का साधन है। वैसे तो धर्म ग्रंथों में दान की महिमा बताई गई है, धन की 3 गति बताई जाती है धर्म ग्रंथों के अनुसार, और वो 3 गति हैं, दानम भोगो नाशः तीसरो गतिर भवति वित्तस्य। सबसे पहली गति है दान, जिसको उत्तम गति कहा जाता है। दूसरी अवस्था है उपभोग, और तीसरी जो गति है वह है विनाश।
धन की तीन ही अवस्था हो सकती है, या तो आप उसका दान कीजिए, या तो फिर उसका उपभोग कीजिए, अन्यथा उस धन का विनाश हो जाना है। विनाश होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो धन नष्ट हो जाता है, वो धन आपके यहाँ से, आपके हाथ से किसी और के हाथ में जा सकता है और विनाश भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी श्लोक में आगे कहा, यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीयो गतिर भवति, जो न दान देता है और जो न भोग करता है उसकी तीसरी गति होती है। और उसके बाद दान के भी अलग अलग प्रकार बताए, पहले दान की महिमा बताई है धर्म ग्रंथों में, उसके बाद अलग अलग प्रकार बताए, और उसमें से सबसे उत्तम प्रकार का जो दान होता है वह है समाज के कल्याण के लिए सुपात्र की, सत पात्र की पहचान करके निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से किया गया दान उत्तम दान कहलाता है। दूसरा दान है समाज की सेवा में लगाने के लिए दान देना, लेकिन उसके पीछे स्वयं की प्रतिष्ठा की चाहना कि लोगों के बीच में मेरी इज्जत हो, कि फलाने व्यक्ति ने इतने लाख रुपए का दान दिया है, इतने करोड़ रुपए का दान दिया है, इतनी जमीन दान दी है। तो ऐसा जो दान है वो मध्यम गति का कहलाता है। और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया दान वो निकृष्ट और अधोगति का दान कहलाता है। और वो दान किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दान दे रहा है, कोई भी अमाउंट रख लीजिए, चाहे 50,000 चाहे 1,00,000, हम सोचते हैं कि अगर हम 2,00,000 दे देंगे तो उसकी इज्जत मेरे अपेक्षा कम होगी और मेरी इज्जत बढ़ेगी, ये एक। दूसरा उसी में दूसरी कैटेगरी कैसी है, दान का मतलब होता है देना, हमने किसी को कुछ पैसे दिए और उसके बदले में हमने कहा कि तू उस व्यक्ति को पीट कर किया या तू उस व्यक्ति का कत्ल कर दे, तो ये भी हम दे रहे हैं। दान का मतलब होता है देना, संस्कृत की दा धातु से बना है, हम धन तो दे रहे हैं लेकिन इसके पीछे हम किसी को पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये तीन तरह के दान हो गए। तो सत्पात्र की पहचान करके हमें समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना से दान देना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि जब दान की इतनी महिमा है तो फिर हरजी व्यास जी दान के लिए क्यों मना कर रहे थे? वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि सामान्य रूप से अगर अन्य अवस्था में दान दे रहे होते तो ये माना जाता कि ये समाज के कल्याण के लिए दान दे रहे हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार भी जो मृत्यु की अवस्था में दिया गया दान होता है उसके पीछे लालसा होती है कि उसके पुण्य के बल पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो स्वर्ग की चाहना से दान दे रहे थे, इसीलिए हरजी व्यास जी ने मना किया, कहा कि मैं तो वहाँ का हूँ ही नहीं। कहते हैं, क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। अगर उस दान के प्रताप से भी स्वर्ग पहुंच जाते तो हरजी व्यास कहते हैं कि मैं तो यहां का नहीं हूं, और अगर वहां पहुंच जाते हैं स्वर्ग, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी उस दान का पुण्य नष्ट होगा, पुनः इस संसार में वापस आना पड़ेगा। इसलिए हरजी व्यास जी ने कहा कि मेरे लिए ये सब दान मत कराओ। फिर आगे कहते हैं कि मैं मर तो रहा हूं लेकिन मरते मरते भी मेरे अंदर दो बात की दाज है, दाज का अर्थ है जलन, दो बात की पीड़ा में लेते हुए इस संसार से जा रहा हूं, और वो ये कि जिस बात के लिए अथवा जिस प्रसंग के लिए मैंने हाँ कह दिया उसको ना कहने की, तथा जिस बात को मैंने ना कह दिया अर्थात जिसको मैंने नकार दिया उसको हाँ कहने की अथवा उसको सही साबित करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरे द्वारा सही कही बात को गलत और मेरे द्वारा गलत कही बात को सही साबित किया हो। इन दो बातों का जलन में लिए हुए जा रहा हूँ। जब ये शब्द कांजी भाई ने सुना तो अब उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित हुई, और वो अग्नि थी इस ऐसे इच्छा की, उन्होंने सोचा कि जब ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस एंड का नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, क्या इसके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है?
उन्होंने सोचा कि अगर ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि और इसकी जागृति हो गई, इसकी जागनी हुई, तो सोचे ये पहले से ही इतना बड़ा विद्वान है और अगर इसको तारतम ज्ञान मिल जाता है तो हो सकता है कि दूसरी ब्रह्म सृष्टियों की जागृति में सहायता प्राप्त हो। ये सोच करके उन्होंने कांजी भाई ने हरजी व्यास की सारी बातें श्री जी के आगे की। श्री जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर वो जीवित हो, हरजी व्यास अगर जीवित हो जाए, क्योंकि अभी तो इनकी मरणासन्न अवस्था है, अगर वो बच जाते हैं तो इनको हम परमधाम की चर्चा सुनाएंगे, चर्चा सुना करके उनके संशय को और उनके भ्रम को, जो उनका ज्ञान का अहंकार था, उस अहंकार रूपी भ्रम को हम समाप्त करेंगे। और जब हम उनके अहंकार को मिटा रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे, तो वहाँ पर तुम साक्षी रूप में रहना, वहाँ पर तुम इस बात को प्रमाणित करना कि हाँ यही हरजी व्यास हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बात कही थी कि जिसको मैंने हाँ कहा उसको ना तथा जिसको मैंने ना कहा उसको हाँ कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, इस बात की साक्षी तुम देना। कांजी भाई ने कहा कि ठीक है, आपकी बात में मुझे मंजूर है। अब श्री जी के आदेश पर, क्योंकि श्री जी ने आदेश दिया कि उनको जीवित रखना है, उनको स्वस्थ करना है और उनको चर्चा सुना करके उनके भ्रम और अहंकार दोनों को दूर करना है। इससे पहले तो कांजी भाई नौकरी कर रहे थे वेतन पर, लेकिन अब श्री जी का आदेश प्राप्त हुआ है तो सेवा कर रहे हैं। नौकरी और सेवा में क्या फर्क है? काम तो वही कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, लेकिन नौकरी और सेवा में बस एक छोटा सा फर्क है और उस छोटे फर्क के द्वारा ही बहुत बड़ा अंतर स्थापित हो जाता है और वो अंतर है भाव का। उदाहरण के लिए, एक घर में अगर नौकर भोजन बनाता है या नौकरानी बनाती है, आप प्रतिदिन 3 रोटी खाते होंगे या 2 रोटी खाते होंगे, एक निश्चित मात्रा में भोजन ग्रहण करते होंगे, तो उस दिन अगर आपको अधिक भूख लगी होगी और आप अपने पाचक रसोईया को कहेंगे कि मेरे लिए 1 रोटी और बना दो, उसको गुस्सा आएगा, वो सोचेगा कि मैंने तो रोज के हिसाब से आटा गूंथ करके रखा था, पता नहीं कितना खाते हैं, वो गुस्सा करेगा और गुस्से में ही बना, क्योंकि मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको वेतन दे रहे हैं, आपका वो नौकर है, कर्मचारी है, वो बना कर तो देगा लेकिन उसके अंदर वो प्रेम नहीं होगा और वो उस भाव से नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप अपनी माता को कहेंगे कि माँ आज मुझे 1 रोटी और देना, अगर आप ऐसा कहते हैं, चाहे घर में आटा पड़ा हो या ना पड़ा हो, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करने का सोचेगी और आपकी भूख को देख करके उसकी स्वयं की भूख मिट जाएगी और आपका भूख मिटाने के लिए वो खुशी खुशी आगे का कार्य करेगी। तो ये फर्क होता है सेवा में और वेतन वाली नौकरी में। अब इससे पहले कांजी भाई नौकरी कर रहे थे तो जो मिल रहा है वो बना रहे हैं, लेकिन अब श्री जी के आदेश पर वो सेवा कर रहे हैं और प्रतिदिन कहते नित तरकारी ल्यावहीं शोध के बागों से, तब राजी होवे कांजी पर कहो श्याबास में। तरकारी सब्जी को कहते हैं, ये अवधी भाषा का शब्द है। अवधी मतलब पहले के अवध अथवा लखनऊ के तरफ की पहले की भाषा है ये। तो इस तरकारी की सब्जी की सेवा ने हरजी व्यास को धीरे धीरे करके ठीक कर दिया। ताज़ा भोजन उनको मिलना शुरू हुआ, अच्छी साग सब्जी। और एक तो श्री जी ने जब दिल से इच्छा कर लिया कि इनकी जागनी होनी, इनको प्रबोधित करना है, तो उनकी इच्छा रूपी, क्योंकि इच्छा ही आदेश है राज्य का, तो इस कारण भी हरजी व्यास धीरे धीरे करके ठीक होते हैं। और फिर चूंकि कारज कारण बना कांजी भाई की सेवा, तो कांजी भाई की तरकारी की सेवा से हरजी व्यास प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरी सेवा की है, अगर कोई मुझे 1000 रुपया भी देता उस समय में, आज से 450-450 वर्ष पहले 1000 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी, आज के लाखों रुपए में उनकी कीमत हुआ करती थी। तो हरजी व्यास जी कहते हैं कि कोई मुझे 1000 रुपये भी दे देता तो मैं उतना खुश नहीं होता उस पर, जितना कि मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो आपको जो कुछ भी मांगना है वो मुझसे मांग लेना। कांजी भाई ने कहा कि मैं अभी तो आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता,
लेकिन भविष्य में जब कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपसे मांग लूँगा। अब इस तरह से जब हरजी व्यास जी पूरी तरह से ठीक हो गए तो कांजी भाई ने वो जो वचन दिया था हरजी व्यास जी ने वो वचन मांग लिया। कहते हैं कि पंडित जी मेरे घर में एक मेहमान आए हुए एक संत साधु हैं, क्योंकि अभी तो वो इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते कि अक्षरातीत साक्षात तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। इस घटना से अभी जो भी प्रसंग आगे आने वाला है हम सब सुंदर साथ को सिखापन लेनी चाहिए। कांजी भाई ने कहा कि मेरे यहाँ पर एक साधु आए हैं और वो आपसे धर्म की ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। अब हरजी व्यास और अधिक प्रसन्न हुए कि मैं पहले से ही तुम पर इतना प्रसन्न हूँ और तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो मेरा ही काम है, धर्म ग्रंथों की चर्चा करना ज्ञान चर्चा करना तो मेरा ही कार्य है और तुमने मुझसे मेरा ही पसंदीदा काम करने के लिए कहा, चलो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करता हूँ। तुम्हें जिनको भी लेकर के आना है, जो भी तुम्हारे साधु हैं तुम उनको लेकर के आओ। अब हरजी व्यास जी के कहने पर कांजी भाई ने श्री जी को कहा कि अब मुलाकात का समय आ गया है, श्री जी को लेकर के आए और श्री जी का हरजी व्यास जी से मुलाकात कराया, भेंट कराया। इसके बाद हरजी व्यास जी ने श्री जी को अब परिचय पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां पर रहते हैं। श्री जी ने कहा कि हम तो परदेश से आए हैं और हमने सुना यहां आने के बाद कि आपका जो मत है, मत मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि अगाध है, अपार है, आपके पास ज्ञान का भंडार है, तो आपकी प्रशंसा सुनकर के मैं आपसे ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आया हुआ हूँ। अब हरजी व्यास जी कहते हैं कि आप जो मर्जी धर्म ग्रंथ का नाम लीजिए, आप जिस ग्रंथ से चर्चा सुनना चाहते हैं मैं आपको उसी ग्रंथ की चर्चा सुनाने के लिए तैयार हूँ। और फिर चूंकि हरजी व्यास जी अभी प्रसन्न है, उन्होंने अपने ही बाग में, बगीचे में रहने के लिए श्री जी को स्थान भी दिया और अब भागवत ग्रंथ से चर्चा होने लगी। अब चर्चा होते होते 2 महीने व्यतीत हो गए, श्री जी सिर्फ सुन रहे हैं, 2 महीने की चर्चा सुने हैं, चर्चा करने वाला भी मग्न होकर के पूरी प्रसन्नता के साथ में चर्चा कर रहे हैं और श्री जी भी उस बात को उतने ही ध्यान से सुन रहे हैं। और 2 महीने की चर्चा के पश्चात एक प्रसंग भागवत में आया जिसमें एक हीरे के मंदिर का वर्णन किया गया है और उसका परिमाण बताते हुए, उसका क्षेत्रफल बताते हुए कहा कि 84 लाख योजन का वह मंदिर है, जिसके विषय में श्री लालदास जी कहते हैं कि एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको कहो विचार, कि एक इतना बड़ा हीरे का मंदिर है जो 84 लाख योजन में जिसका विस्तार है। अब जैसे ही ये बात श्री जी ने सुनी, उन्होंने प्रश्न किया व्यास जी को, हरजी व्यास जी को, कि ये जो जगह आपने बताई 84 लाख योजन की, ये जगह किसकी है, अर्थात यहाँ पर रहता कौन है। तो व्यास जी ने कहा कि शास्त्रों में धर्म ग्रंथों के अंदर इस जगह को अक्षर का कहा गया है, कि ये जगह अक्षर की है। तो श्री जी ने बिल्कुल विनम्र होकर के उनके चरणों में लग करके कहा कि वो जगह आप मुझे बता दीजिए, अगर अक्षर की जगह है तो वो कहाँ पर है, अर्थात इस पृथ्वी लोक से ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, या फिर इस ब्रह्मांड से परे है, कहाँ पर है, मुझे बता दीजिए, क्योंकि 2 महीने से भागवत सुन रहे हैं और 2 महीने की भागवत में प्रसंग क्या क्या आया है। आगे श्री लालदास जी कहते हैं 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत, इनको नास तुम कहो यह ठोर अक्षर की कित। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति जिनका नास आप कह चुके हैं, तो ये बताइए कि ये जो 84 लाख योजन का जो मंदिर है जिसको आपने अक्षर की ठोर कही है, ये जगह कहाँ पर है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ब्रह्मांड से परे, कौन से जगह पर है। और आप हमसे बिल्कुल भी अंतर मत कीजिए, हमसे ये बात मत छिपाइए, हम आपसे बार बार विनती करते हैं कि आप हमें कृपया ये बात बता दीजिए, ये एक तरीका है। अब व्यास जी कहते हैं कि ये ठौर जो है, ये जो जगह है आदि नारायण की है और क्षीर सागर में रहते हैं, शास्त्रों में इतनी ही बात लिखी हुई है।
पहले उन्होंने अक्षर की जगह बताई, फिर कहा कि ये आदि नारायण की जगह है। अब श्री जी कहते हैं कि अगर क्षीर सागर की बात है, क्षीर सागर तो आप पाताल लोक में बताते हैं, पाताल लोक 14 लोक के अंदर ही आता है, और जब 14 लोक के अंदर है कहते हैं ये महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, त्रिगुण के साथ में संपूर्ण ब्रह्मांड तो महाप्रलय में नाश हो जाता है। अब बताए कि ये जगह किसकी है। अब व्यास जी झुक करके कहते हैं, अब वो विनम्र हो गए, जैसे एक हिंदी भाषा में कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पहाड़ के नीचे आ गए और कहते हैं कि आप मुझे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं, जब धर्म ग्रंथों में पंडितों ने और शास्त्रकारों ने ही ऐसी बात लिखी हुई है तो मेरा दोष यहाँ पर नहीं है। फिर कहते हैं कहिया कटुक वचन आचार्यों को इन्हों ऐसे ही लिखे सुकन। अब जिन्होंने ऐसी बातें लिखी थी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं था, हरजी व्यास जी को आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो इनको इतना परेशान कर देता। अब परेशान होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, चाणक्य का कथन है, न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदा सततम करोति, यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्तान परित्यज्य विहरति गुंजान। जो व्यक्ति जिसके महत्व को जिसके गुणों को नहीं जानता है वो उसकी निंदा किया करता है। जैसे किरात होते हैं, किरात का मतलब जो भील होते हैं उनको मोती का अथवा गजमुक्ता जो मणि होती है उसका महत्व उसकी महिमा उसके मूल्य का पता नहीं होता है तो फिर उसको धारण नहीं करते, जबकि उसको धारण करते जिसको कौड़ी कहते हैं, हम लोग जिसको कौड़ी कहते हैं, हाथियों को उसकी माला पहनाई जाती है कई बार, तो उन कौड़ियों को वह धारण करते हैं और गजमुक्ता मोती को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका महत्व उन्हें नहीं पता है। इसी तरह से व्यास जी को, हरजी व्यास जी को धर्म ग्रंथों के रहस्य का पता नहीं, इसलिए ग्रंथकारों को उन्होंने कटुवचन कहा। अब कांजी भाई श्री जी को कहते हैं, तब कांजी ये कहया कछु अक्षरातीत की पूछो बात क्या जवाब करत है सुने इनके मुख्य विख्यात। कहते हैं श्री जी इनको थोड़ी सी अक्षरातीत की तो बात पूछ लीजिए। अब श्री जी जोश में आए क्योंकि हरजी व्यास जी के अहंकार के विषय में पहले ही सुन चुके हैं, तो श्री जी ने कहा ए तो थका क्षर में, अभी तो इसको क्षर ब्रह्म का भी क्षर के ब्रह्मांड का भी पूरा पता नहीं है। कहते हैं ए तो थका क्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, अक्षर के शुद्ध नहीं है अक्षरातीत की तिनको ए क्या देवे उत्तर, जब क्षर और अक्षर का ही पता नहीं है तो अक्षरातीत के विषय में वो उत्तर कैसे दे सकते थे। इसीलिए अब श्री जी ने हरजी व्यास जी को जोश में कहा कि व्यास जी आपने पहले ऐसी बात कही थी कि जिसको मैंने हाँ कहा उसे ना कहने वाला और जिसको मैंने ना कहा उसे हाँ कहने वाला कोई नहीं हुआ, आपने कही थी कि नहीं। अब व्यास जी विनम्र हो चुके हैं क्योंकि पहाड़ के नीचे वो आए हैं, विनम्र होकर के कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही मुझे प्रबोध कीजिए, आप ही मुझे समझा दीजिए। अब श्री जी ने भागवत के उस रहस्य को उद्घाटित किया जिसमें हीरे के महल का वर्णन है। भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है कि एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र लगातार जन्म लेते ही मर रहे थे, तो वह ब्राह्मण आकर के युधिष्ठिर के द्वार पर कहते हैं कि आपके राज्य में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अकाल मृत्यु तो उसके राज्य में होता है जहां पर राजा पापी होता है, तो क्या युधिष्ठिर पापी हैं। अब युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनको धर्मराज कहा जाता है, कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ने सोचा कि ब्राह्मण पुत्रों को वापस लेकर के आना है। अब कृष्ण जी अपने योग बल से अर्जुन को लेकर के जाते हैं और भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने 7 समुद्रों को पार किया, 7 समुद्रों को पार करके एक घोर अंधकार में प्रवेश किया और उस घोर अंधकार को सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने काटा और उस अंधकार को पार करके वे इस स्थान में पहुंचे जिसका वर्णन किया गया हीरे के मंदिर का। और वो स्थान कौन सा है, हम सब के अंदर भी जिज्ञासा अथवा प्रश्न होना स्वाभाविक है। इस पृथ्वी के अंदर 7 समुद्रों का वर्णन किया जाता है, 7 सागरों का, 8वें सागर का अथवा समुद्र का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो इस पृथ्वी लोक से परे जिसको अंधकार कहा गया है वह अंधकार है निराकार का, और उस अंधकार को
योगीराज श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनके अंदर विष्णु भगवान है, वो अक्षर की पंचवासना है, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी सुदर्शन से पार किया और उसके बाद योग माया में प्रवेश किया। योग माया में अव्याकृत में जो प्रणव का स्थान है, क्योंकि प्रणव ब्रह्म का ही प्रतिबिंब आदि नारायण के रूप में पड़ता है मोह सागर में। प्रणव और आदि नारायण दोनों, क्योंकि एक जैसे दिखेंगे, जैसा बिंब होता है प्रतिबिंब भी वैसा ही होता है। अब जिन्होंने भागवत में ये वर्णन किया उनके पास तो तारतम ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने वर्णन किया अपने अनुमान के आधार पर, अपनी सर्वश्रेष्ठ उच्चतम ज्ञान के आधार पर वर्णन किया है, लेकिन है तो स्वप्निक बुद्धि का ही ज्ञान। तो स्वप्निक बुद्धि के ज्ञान से जब उन्होंने वर्णन किया तो कभी प्रणव का वर्णन कर रहे हैं और कभी आदि नारायण का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वर्णन तो दोनों का एक ही जैसा होगा, क्योंकि प्रणव का ही प्रतिबिंब आदि नारायण है। इसीलिए जितने भी भागवत को पढ़ने वाले विद्वान थे, बिना तारतम ज्ञान के कभी तो वो उसे क्षर मान रहे थे और कभी इसे आदि नारायण कह रहे थे। वास्तव में दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, लेकिन बिंब और प्रतिबिंब, प्रणव और आदि नारायण दोनों को अलग अलग करके बताने की क्षमता बिना तारतम ज्ञान के किसी के पास नहीं थी। इसलिए श्री जी ने तारतम ज्ञान की दृष्टि में हरजि व्यास जी को ये बात स्पष्ट कर दिया कि यह स्थान जो मूल स्थान है वह है अव्याकृत ब्रह्म का, अव्याकृत के ब्रह्मांड का, योगमाया के ब्रह्मांड का, जहाँ पर जो प्रणव है, प्रणव का प्रतिबिंब है आदि नारायण, जिसके द्वारा यह सृष्टि बनती है और मिटती है। अब ये बात स्पष्ट होने के बाद फिर श्री जी ने कहा, हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। परमात्मा की जिस पर कृपा, जिस पर मेहर होती है, वह उनके अहंकार को समाप्त करके उनको रोशन करते हैं अथवा उनके हृदय को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तब व्यास जी ने कहा, क्योंकि अभी तो उनको पूर्ण पहचान नहीं हुई है, कहते हैं, हे भक्तराज, मैंने तो जो भी कहा वैसे तो मैंने गलती की, लेकिन अगर मैंने उस समय में ऐसे शब्द नहीं कहे होते तो शायद आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। मेरा इसके पीछे भी लाभ छिपा हुआ था। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया अपने ही लिए, कहते हैं कि कई गुलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार। गुलर सब समझते हैं, गुलर एक वृक्ष होता है जिसमें फल लगा करते हैं, फल देखने में लगभग लगभग अंजीर के जैसा ही होता है। तो एक वृक्ष में ऐसे अनेकों फल लगे होते हैं और उन फलों के अंदर, गुलर के फल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पक जाने के बाद में उसके अंदर कीड़े लगते हैं, और उन कीड़ों में जो जीव होते हैं उनको अपने से बाहर के कीड़ों का पता नहीं होता है। अगर उसको आजकल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहें, तो जिसको कुएं का मेढक कह सकते हैं कि कुएं के मेढक को, अपने कुएं को ही वो सब कुछ समझ लेता है, संपूर्ण संसार समझ लेता है, उसको बाहर का पता नहीं होता है। हरजी व्यास कहते हैं कि मैं तो अपने ही ज्ञान के अहंकार में चूर था, इसलिए मैं ऐसे अहंकार के बोल बोल रहा था। अब कहते हैं कि आगे पंडित में सब जीते, हारा न काहूं सरभर। आपसे पहले मैं सभी पंडितों से जीत चुका हूं, कभी भी मैं नहीं हारा, लेकिन आज मैं अपने हथियार आपके आगे छोड़ता हूं, आपके आगे डालता हूं, क्योंकि आपको निश्चित रूप से परमात्मा ने मेरे लिए ही भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि अब आप मुझे वो सच्चा राह बताइए, वो सच्चा रास्ता बताइए, जिस पर चल करके मैं अपने मूल लक्ष्य को पा सकता हूँ। तो श्री जी ने उन्हें तारतम ज्ञान के माध्यम से परम धाम की, श्री राज्य की पहचान कराई, खेल में आने का कारण बताया। अब श्री लालदास जी कहते हैं, जेता अंकुर इनका तहां लो भई सोहबत, फिर तीन से जुदे पड़े आए नौतन पुरितित। अब जितना उनका अंकुर था, और विशेष रूप से जहाँ जहाँ पर भी बीतक में ये अंकुर शब्द आता है, जेता अंकुर जिनका, वहाँ अधिकतम जगहों पर, हो सकता है किसी स्थान पर अपवाद भी हो, लेकिन अधिकतम स्थान पर हमें समझना चाहिए कि इनके अंदर ईश्वरीय सृष्टि की सुरता थी। तो जितना उनका अंकुर था उतना उन्होंने लाभ लिया। अब
इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती है, विशेष रूप से उन सुंदर साथ को जो जागने के लिए अन्य अनेकों स्थानों में जाते हैं, चाहे भविष्य में ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों की बात हो, चाहे आज वर्तमान में भी जो सुंदर साथ जागने के लिए सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर साहित्य इत्यादि के माध्यम से प्रचार करते हैं, हम सभी सुंदर साथ को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पहले हम दूसरों की बात को सुने। जो सच्चा श्रोता होता है, जो सफल श्रोता होता है, वही आगे चल करके सफल वक्ता बन सकता है। आपको सामने वाले की के सिद्धांतों का पता ही नहीं कि वो किसको मानता है, आप अपने सिद्धांत को बता नहीं सकते, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति शैव संप्रदाय को मानने वाला है, आप जाकर के उसको विष्णु पुराण से प्रमाण देने लग जाएंगे, कोई काम का नहीं है। उन्हें तो पहले शिव जी की वास्तविकता बतानी पड़ेगी, उनको उनके ही ग्रंथों से प्रमाण देना पड़ेगा, तब समझाना पड़ेगा, और इसके लिए पहले आपको उनका सिद्धांत जानना आवश्यक है। मान लीजिए, क्या श्री जी चाहते तो पहले ही दिन हरजी व्यास जी को परास्त नहीं कर सकते थे, जिन्होंने जब जिस तन में से राज्य की लीला चल भी नहीं रही थी, आवेशित ब्रह्मलीला भी शुरू नहीं हुई थी, जब वो 12 वर्ष के थे, तो देवचंद्र जी के गुरु कांजी भट्ट को जो भागवत के ही प्रश्नों से शांत कर सकते हैं, तो वो चाहते तो वही प्रश्न भी अगर दोहरा देते तो पहले ही दिन मामला ठीक हो जाना था। लेकिन ये जो प्रसंग चला 2 महीने तक उन्होंने सुना, हम सब सुंदर साथ को धैर्य सिखाने के लिए कि अगर हमें जागने के लिए आगे बढ़ना है तो कई बार हमें सुनने की आदत डालनी पड़ती है। अगर हम किसी की बात नहीं सुनेंगे तो हम ऐसा दूसरों से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारी बातें सुनेगा। और अमूमन होता क्या है, हम सब सुंदर साथ सामने वाले की बात को सुने बिना कई बार उसकी खंडनी कर देते हैं। खंडनी करना बुरी बात नहीं है, जहां आवश्यक हो वहां खंडनी करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम अनावश्यक खंडनी कर देते हैं, जिससे कि लोग जुड़ने की वजह अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारे मत की खंडनी कर रहा है, हमारी बात सुन नहीं रहा है। इसलिए पहले हमें सामने वाले की बात को, उनके मतों को, सिद्धांतों को सही ढंग से सुनना समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें उनके ही ग्रंथों से उनको समझाना चाहिए, तभी हमारे ज्ञान का प्रभाव उन पर अधिक पड़ेगा और हमारे ज्ञान को वो मानेंगे। तो अभी तक के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब चूंकि 16, 17 और 18 का संवत बीत चुका है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है जूनागढ़ में रहते हुए, और श्री जी को अंतः प्रेरणा होती है कि जामनगर अथवा नौतनपुरी के सुंदर साथ के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो वहां से जूनागढ़ से चल करके श्री जी आते हैं वापस नौतनपुरी। वहां आकर के बिहारी जी से विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि उधर कुतुब खान जो कि मुगलों का सेनापति था, वह अहमदाबाद पर आक्रमण करने वाला होता है, गुजरात पर आक्रमण करने वाला होता है। वह इसलिए क्योंकि इससे पहले जब मिहिरराज जी जेल में थे तो उस समय भी वजीर गया हुआ था कुतुब खान से संधि करने के लिए कि मैं सही समय पर आपका जो कर है, आपका जो टैक्स है, वो चुका दूंगा। लेकिन समय पर कर नहीं चुका पाने से अब कुतुब खान आक्रमण करने वाला होता है। श्री जी साहब जाते हैं बिहारी जी के पास, विचार विमर्श करते हैं, बिहारी जी कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना भी नहीं था कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है, कोई संकट आए या ना आए, बिहारी जी को कोई लेना देना नहीं था। अब श्री जी वहां से चले गए और जब उन्होंने देखा कि सुंदर साथ पर कष्ट आने वाला है, वजीर का कार्यभार संभाला और संभाल करके गए कुतुब खान के पास और जाकर के कहा कि आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए और 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं आपको जो भी कर देना है, पिछला जो हिसाब बाकी है वो भी चुका दूंगा। तो 1 वर्ष का समय उनको प्राप्त हुआ। श्री जी आए
और वहाँ के अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर के जनता से उन्होंने कर वसूलना शुरू किया, ये कहकर कि अगर हमने समय पर कर नहीं दिया तो हमें फिर मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने एक वर्ष तक पूरा प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद भी जब सफल न हो सके तो फिर कुतुब खान ने उन्हें जेल में डलवा दिया, क्योंकि शर्त पहले यही रखी थी। और उसने मिहिर राज जी को मृत्युदंड देने का दिन भी निश्चय कर लिया। अब जब ये बात कांजी भाई ने सुनी, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक श्री जी मेरे जैसे अनेकों कांजी भाई को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अनेकों कांजी भाई मिलकर के भी श्री जी तो नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर मेरा त्याग करना, मेरा बलिदान करना ही उचित रहेगा। उन्होंने तेज कुमारी जी के पास जाकर के उनके वस्त्रों को मांगा, उनके वस्त्र पहन करके वो गए, क्योंकि जेल में कारागार में भी सगे संबंधियों से तो मिलने की अनुमति होती है। पत्नी का रूप बना करके उनकी वेशभूषा धारण करके गए, कारागार में जाकर के मिलते हैं और फिर श्री जी को कहते हैं कि श्री जी मैं तेज कुमारी जी के वस्त्र लेकर पहन करके आया हूँ, आप इन वस्त्रों को पहनिए और यहाँ से निकल जाइए। श्री जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मूल स्वरूप श्री राज जी के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। कांजी भाई माने नहीं, उन्होंने सौगंध दे दिया कि आपको जाना ही पड़ेगा। अब श्री जी के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था तो मजबूरन कांजी भाई को वहाँ पर छोड़ करके उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इसी को रास वाणी के अंदर, क्योंकि आगे जा करके दीप बंदर में पहुँच करके रास की पहले के 5 प्रकरण अवतरित होते हैं, जिसमें इंद्रावती जी ने कहा कि मैं तृण युद्ध की धा फरी फरी पछे गत मत मारी हरि लय वस पोताने करी। मैंने 3 बार पहले माया से लड़ाई की और 4थी बार में मैं भी माया से लड़ाई हार गई। इससे पहले सदगुरु महाराज का प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, उसके बाद में फुलबाई जी का त्याग करना था, फुलबाई जी का त्याग भी कर लिया, जेल में भी चले गए बिना किसी गलती के, हर बार उनकी विजय हुई। लेकिन यहाँ पर जब दूसरी बार जब जेल में जाना पड़ा, वैसे तो इंद्रावती जी उनको पूरा विश्वास था कि राज जी कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन वाणी में एक चौपाई आती है कि हंसी बिना कोई ना रहे या यार या शेरदार, सबकी हंसी करनी है राज जी ने। तो एक कारज कारण उन्होंने ऐसा बनाया कि कांजी भाई को उस रूप में भेज दिया। अब श्री जी बाहर निकल गए हैं जेल से, और कुछ समय के बाद में क्या हुआ, जो दिन निश्चित था मृत्युदंड देने का, कांजी भाई तो अंदर हैं, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी उतने दिनों में, और जो दिन तय हुआ था सैनिक उनको लेने के लिए आए, तो चूंकि राज्य को उनकी भी रक्षा करनी है, तो राज्य के जोश की शक्ति ने उनके अंदर से कुरान की आयतों को बुलवाना चालू किया, कयामत का वास्ता देना शुरू किया कि तुम जालिम दूसरों पर धर्म के नाम पर अत्याचार करते हो, तुम्हें 7वें दिन न्याय के दिन खुदा के सामने जब खड़ा किया जाएगा वहां पर हम तुमसे न्याय मांगेंगे। अब वहां के सैनिकों ने देखा कि हमने जेल में तो किसी और को बंद किया लगता है, हम ऐसा लगता है कि हम गलत व्यक्ति को उठा करके ले आए, ये तो कोई पहुंचा हुआ मुस्लिम फकीर लगता है। अब कुतुब खान ने उनको, क्योंकि मजबूरी थी, छोड़नी पड़ी कि गलत व्यक्ति को उठा करके लेकर के आए हैं। अब जेल से निकलने के बाद में श्रीजी साहब दीप बंदर पहुंचते हैं, जिसको आज हम दीव के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद से श्री जी पहुँचे दीप बंदर। कहते हैं, आए दीप गुजरात से श्री राज भय फारक, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। पूरी माया देख ली अब तक, क्योंकि इससे पहले कई प्रकार से माया सामने आई, हर प्रकार इंद्रावती जी की आत्मा माया को पराजित करती रही, लेकिन इस बार इस रूप में आई कि उन्हें भी उस माया के सामने झुकना पड़ा। तो इसका तात्पर्य यह है कि माया किसी भी रूप में आ सकती है,
हम हो सकता है कि हम जिन्हें माया समझ करके दूर दूर भाग रहे हों उससे तो बच जाएं, लेकिन किसी और माया के चक्कर में फंस जाएं। तो श्री जी कह रहे हैं कि माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफक। अब इसके बाद दीप बंदर जब पहुंचे आगे, अब वास्तव में जागनी की लीला शुरू होती है। वैसे तो हरजी व्यास की वहां से ही श्री जी के द्वारा जागनी की लीला शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो नहीं थी। अब पहली ब्रह्म सृष्टि की जागनी शुरू होती है दीप बंदर से। दीप बंदर में श्री जी जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले जयराम भाई कंसारा के घर में पहुंचते हैं। जयराम भाई कंसारा श्री जी को देख करके, क्योंकि लौकिक संबंध से उनकी पहचान है, अभी वो मिहिरराज के रूप में ही जानते हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु भाई आए हैं, इस तरह से उनको खुशी थी। उन्होंने प्रणाम किया, अपने घर में ले गए, कुशल क्षेम पूछा कि मिहिरराज जी आप कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, काफी लंबे समय के बाद में मुलाकात हुई है, आप किस काम से आए हैं। श्री जी साहब ने कहा कि हम आए तुम्हारे काज, कहते हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्रीराज, श्री राज्य के हुक्म से हम आपके पास आए हैं। और राज्य का हुक्म क्या है, कहते हैं ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, माया से सुंदर साथ को खबरदार करना है, उन्हें जागृत करना है। और कहते हैं याद करो निज धाम को, चलो राह इस्लाम पर, निजानंद संप्रदाय के शांति के राह पर हमें चलना है, धर्म के राह पर चलना है। और अब चर्चा की शुरुआत होती है, और शुरुआत कहाँ से होती है कि देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात से लेकर के श्री जी उनको प्रबोधित करते हैं कि देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया। बिहारी जी महाराज गादी पर है, लेकिन तुम कितनी बार उनका दर्शन करने के लिए आए, कितने सुंदर साथ को तुमने माया से बाहर निकाला, क्योंकि तारतम तो तुमने भी ले रखा है, तारतम में तुमने भी ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो उसका प्रण तो तुम रोज करते हो, तो तुमने कितने सुंदर साथ को जागृत किया, माया से निकाला। श्री देवचंद्र जी ने जो बात तुम्हें सिखाई थी उस ज्ञान के प्रभाव से तुमने कितने सुंदर साथ को प्रकाशित किया। फिर कहते हैं तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो एति अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। श्री धाम धनी को तुमने देखा, उनकी पहचान करी, और एक बार पहचान करने के बाद भी तुम पुनः माया में मग्न हो गए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? न तुमने कभी एक चिट्ठी लिखी कि श्री सद्गुरु महाराज के अंतर ध्यान के पश्चात क्या हुआ, न तुमने एक पत्री लिखी, न तुमने कभी वहां आने का प्रयास किया, न कभी सुंदर साथ की हालचाल पूछी तुमने, क्या तुम माया में इतना रल मिल गए हो? और माया में तुम ऐसे मिल गए, कहते हैं मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत। अभी हमने बीतक की शुरुआत से पहले वाणी गायन सुना था कि मेरे साथ संबंधी चेतियो ए हांसी का है ठोर, पियू वतन आप भूल के कहा देखत हो, और कि ये हांसी का ठोर है। और उसी प्रकरण में एक चौपाई इंद्रावती जी स्पष्ट रूप से हम सभी सुंदर साथ के लिए कहती हैं कि साथ जी तुमको उपजा खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बाधे तिन ए हांसी का हवाल। हम सब सुंदर साथ को किसने बाधा है, माया के लिए हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं। हम माया के लिए कहते हैं कि ये माया, ये ब्रह्मांड तो वैसा है जैसे कि शशक के सिंह, खरगोश के सिंह की उपमा दी गई है दर्शनों में इसको। इसके लिए हम कहते हैं कलश वाणी के अंदर एक प्रकरण है जिसमें वैराट के विषय में, माया के विषय में बताते हुए कहा कि ये सब सिंह शशक बंझा पूत वैराट, फूल गगन नाम धराय के उड़ाए देवे सब ठाट। दर्शनों में भी इस बात को कहा गया है कि ब्रह्मांड खरगोश के सिंह की तरह है, बंध्या स्त्री जिसको बांझ कहते हैं, बंध्या स्त्री के पुत्र की तरह है, और आकाश के फूल की तरह है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से आकाश का फूल नहीं होते, खरगोश के सिंह नहीं होते, और बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं हो सकता अथवा संतान नहीं हो सकते, क्योंकि संतान हो तो उसे फिर बंध्या नहीं कहा जा सकता, वैसे ही
जैसे ये सब चीजें इस संसार में है ही नहीं, वैसे इस ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं है, इस माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और कलश ग्रंथ के अंदर ही एक उदाहरण दिया गया है कि एक धनुष लिया जाए, उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई जाए, उस प्रत्यंचा में बाण लगा करके उस बाण को पूरी शक्ति से कान तक खींचा जाए, और कान तक खींचने के बाद एक वृक्ष में जहां पत्तों की झुरमुट हो उस तरफ निशाना बना करके उस बाण को छोड़ा जाए, तो वो अनेकों पत्तों को बेधता हुआ वो तीर चला जाता है, और उनमें एक पत्ते में, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में पहुंचने में उस तीर को जितना समय लगता है उससे भी कम समय में ये ब्रह्मांड बनता और मिट जाता है, ऐसा तो अस्तित्व बताया गया इस संसार का। इसी तरह से हमारी स्थिति को बताने के लिए कलश ग्रंथ के अंदर एक उदाहरण दिया गया है, कलश गुजराती हिंदुस्तानी दोनों में ये उदाहरण प्राप्त होता है कि जैसे एक तिनके ने पर्वत को ढक लिया है, संभव नहीं है, एक तिनका पर्वत को ढक दे संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है कि उस तिनके को अगर हम आंखों के बिल्कुल पास में रखते हैं तो हमें तिनका दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी अवस्था भी ऐसी ही हो गई है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी जो हमारी आंखें हैं उन पर अज्ञानता रूपी वह तिनका पड़ा हुआ है, इसलिए हम इस माया के संसार में सब कुछ भुला बैठे हैं, जिसके लिए कहा कि जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हाँसी का हवाल। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे वाणी में कहा कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, एक चींटी हाथी को निगल गई हो वैसा ही लगता है। तो इसलिए श्री जी साहब कहते हैं मिल गए माया मिने जाने अनादि के। तो हम माया को, हम अपने आप को कैसा सोच रहे हैं कि हम अनादि काल से इस माया के ही हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं वाणी के अंदर कि तुम आइया छल देखने भिल गईया माहे छल, छल को छल न लागही ओ लहरी ओ जल। छल को वह चीज छल नहीं लगता है, हम माया में आए हैं तो जब हम माया से जागृत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम माया में आए हैं। बिना जागृत हुए जब उसी में डूबे हुए हैं तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि माया में हम आए हुए हैं। अगर इतना पता चला कि हम आए हैं तो ये भी पता चलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, फिर हमें जाना कहाँ पर है। तो इस तरह से श्री जी ने प्रबोधित किया जयराम भाई कंसारा को, और आगे कहते हैं तुमको ऐसा न चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथ ही गिरोह पैगंबर आद। तुम तो श्री देवचंद्र जी के समय के साथ ही हो, सुंदर साथ हो, और इसके बावजूद भी तुमने ये नहीं देखा कि हमारी आत्मा का प्रियतम अभी कहाँ पर है, हम खेल देखने के लिए आए हैं, तुमने इस बात को भी नहीं समझा, और तुम तो ऐसे रल गए इस माया में जैसे कि तुम अनादिकाल से इस माया के ही हो। इस तरह से खंडनी के वचन कह करके उन्होंने जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित किया। वैसे तो कलश की वाणी में पहुंचने के बाद इंद्रावती जी कहती हैं कि अब दुख ना देऊं फूल पांखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन, टेढ़ी सुकन तुम्हें कहूं सो काट करूं जुबा दूर, पर इन माया का तुमको कहा होसी रोशन नूर। कहते हैं कि मेरे द्वारा टेढ़े शब्द, खंडने के शब्द अगर निकल जाते हैं, मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मैं अपने जुबा को, अपनी जीवा को काट करके निकाल दूं, लेकिन ऐसे शब्दों को कहे बिना तुम्हारा जो रोग है वो भी तो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक डॉक्टर, एक चिकित्सक ये सोच करके किसी का ऑपरेशन करने से इनकार कर दे कि ऐसे चीरफाड़ करने में इसको दर्द होगा, अगर फोड़ा जो होता है किसी के शरीर पर उसको दबा करके उसका मवाद अगर ना निकाला जाए, थोड़ी देर के लिए पीड़ा होगी, लेकिन अगर उस थोड़ी देर की पीड़ा को सहन करके थोड़ा सा कठोर बन के उस मवाद को नहीं निकाला जाएगा तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेगा और फिर
जब तक मरणांतक पीड़ा जिसको कहते हैं कि जब तक नहीं मरेगा तब तक उस पीड़ा को सहन करनी पड़ेगी। इसीलिए शुरुआत में कुछ प्रसंगों में श्री जी ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है सुंदर सात की जागृति के लिए, और कहाँ तक कह दिया, कहते हैं कबलो कासा कुटेगा कबलो हथौड़ा एहरन, कबलो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। क्योंकि वो कांसे के बर्तन बनाया करते थे, और बर्तन बनाने वाले आप सब जानते हैं हथौड़ा और एहरन का काम होता है, ठुकाई पिटाई का काम होता है। श्री जी कहते हैं कि कब तक आप कांसे के बर्तन ही कूटते रहोगे, अब तो सिर पर कयामत आ चुका है। कयामत आने का मतलब है कि अब अंतिम अवस्था अंतिम समय आ चुका है, अब हमें जागृत हो जाना है। आप माया के लौकिक कार्य ही करते रहेंगे तो फिर आपकी जागृति कब होगी। ये तो 14 लोक का जो ब्रह्मांड है नश्वर है, और ऐसे नश्वर ब्रह्मांड में कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि माया के सुखों के उपभोग से मेरा पेट भर गया है। श्री जी कहते हैं कोई ना अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार। एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों से ही खून निकलने लगता है, तो उस कुत्ते को ऐसा लगता है कि इस हड्डी में से रस निकल रहा है, और वो उस हड्डी को चबाते रहता है और अपने ही खून का स्वाद लेने लगता है। आज मनुष्य बिल्कुल वही कर रहा है। कैसे? मनुष्य पूरे जीवन भर परिश्रम करता है, 8 घंटे का काम करता है, ऊपर से ओवरटाइम ड्यूटी करता है, 12-12 घंटे की नौकरी करता है, और पैसा कमाने के लिए शरीर को खराब करता है, शरीर को रोगी करता है, और फिर उस रोग को समाप्त करने के लिए फिर उसी पैसे को लगाता है, और खुश होता है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास पैसा है जिसके कारण मैं अपने रोग का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा पा रहा हूँ। उसको ये भी नहीं पता कि इसी पैसे को कमाने के चक्कर में तो इतना बीमार हुआ है। हूबहू ऐसा ही हुआ जैसे अपने मसूड़ों से निकलते हुए खून के रस से वह कुत्ता खुश हो रहा था, वैसे ही मनुष्य भी कर रहा है कि जिसके कारण वह रोगी हो रहा है उस रोग के कारण को ही वो रोग के निदान का कारण समझ बैठा है। इसलिए श्री जी ने कहा कि श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, क्या धाम धनी के राज्य के सुखों को छोड़ करके तुम इसी में डूबे रहोगे, इसी में मग्न रहोगे। भर्तृहरि का कथन है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्त वयमेव तप्त, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो कहते हैं कि भोग को हमने क्या भोगा, भोग हमें ही भुगताए गए, तपो को हमने क्या तपा, तप हमें ही तपाए गए। कहते हम सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को मीठा खाना पसंद होता है तो वो मीठा तो खा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अगर मात्रा से अधिक हो गई, अगर नियंत्रण से अधिक हो गया मीठा, तो वही मीठा मधुमेह बन करके हमें ही खा जाएगा। कुछ लोग जो धूम्रपान किया करते हैं वो कहते हैं हम सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सिगरेट उन्हें पी रही होती है, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं होता है। इसी तरह से मद्यपान की बात है, चाहे किसी भी तरह के सांसारिक भोगों की बात हो। दर्शन का कथन है, न भोगात राग शांति मुनिवत। एक मुनि थे शौभरी, जंगल में वन में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते ऐसा प्रसंग आता है, दृष्टांत आता है। उन्होंने देखा कि जब वो नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने मछलियों को देखा कि मछलियां बहुत सारी है। उनको लगा कि मछलियां परिवार में रहती हैं, तो परिवार के कारण शायद ही मछलियां इतनी प्रसन्न लग रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम भी परिवार बना लेते हैं। तो उन्होंने मांधाता ऋषि के पुत्रियों से विवाह किया, और विवाह करने के बाद में उन्होंने सांसारिक सुखों का उपभोग किया, लेकिन लंबे समय तक भी सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बावजूद भी उनको सुख नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उनके लिए यह सूत्र बताया गया कि न भोगात राग शांति मुनिवत,
जिस तरह से उन मुनि ने, सौभरी मुनि ने भोग किया लेकिन शांति नहीं मिली, इसी तरह से संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको संसारिक सुखों के भोग से शांति मिली हो। हम पहले भी चर्चाओं में सुन चुके हैं कि इस संसार के सुखों का भोग करने के लिए भी पहले हमें दुखी होना पड़ता है। तो संसार के सुखों में, संसारिक सुखों के भोग में कहीं पर भी शांति नहीं है। इसलिए श्री जी ने कहा कि इन एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। और ये सभी सुंदर साथ के लिए है कि ये जो मोह के जीव हैं वे तो मोह में ही रहने वाले हैं, माया में ही रहने वाले हैं। जैसे कि वाणी में, वाणी का कथन मैं पहले ही कह चुका हूं कि छल को छल ना लागे ही ओ लहरी ओ जल। अब श्री जी कहते हैं कि तुमसे और माया के जीव में क्या इतना भी फर्क नहीं है, तुम्हें हमें क्या चाहिए। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक, हमें तो राज्य के जिक्र में, उनकी चर्चा में, उनके चिंतन में और उनके ध्यान में गर्क अथवा मग्न होना चाहिए। कहते हैं सो बोए न आवत तुम में, और इन बातों की अथवा इन सब गुणों की तो तुम में खुशबू भी नहीं है। खुशबू का मतलब नामो निशान भी नहीं है, ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सयन, ना दिल को किया रोशन। ना तुमने कभी चर्चा सुनी, ना चर्चा की, ना चितवनी किया, ना सुंदर साथ से मिले, और ना तुमने किसी नए व्यक्ति को जगाया, ना किसी के हृदय को रोशन किया। अब कहते हैं ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। जब भी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, चाहे वर्णन करने वाले हों चाहे वर्णन सुनने वाले हों, तो हम सब सुंदर साथ इस तरह से सुनते हैं जैसे हम जज हैं, न्यायाधीश हैं, और हमारे सामने वादी के रूप में सृजे साहब हैं, प्रतिवादी के रूप में जयराम भाई कंसारा है। और हम ऐसा सोचते हैं, भले ही हमने कभी बाहर ये प्रकट न किया हो, लेकिन हम चर्चा करते हुए और सुनते हुए ये सोचते हैं कि ये जयराम भाई कंसारा बुरे थे, जयराम भाई कंसारा देवचंद्र जी की चर्चा सुनने के बावजूद भी जागृत नहीं हुए, उनको जागृत करने के लिए श्री जी ने इतनी खंडने की वचन कही। लेकिन कभी भी हम स्वयं को नहीं देखते बीत तक के इस प्रसंग में। वैसे ये बात मैं पहले भी कह सकता था इतने प्रसंगों में, लेकिन इस चौपाई में पहुंच करके, ये इस प्रकरण की 23वीं चौपाई है, कोई भी सुंदर सा चाहे अपने अपने घरों में इस चौपाई को देख सकते हैं, कि यहाँ पर आकर के कहा ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। पिछले 10 चौपाई से खंडनी सुन रहे हैं, लगभग 10-12 चौपाइयों से, और यहाँ आकर के उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि मुझसे भूल हो गई और अपने आप को धिक्कारा। अभी तो पहले दिन की चर्चा चल रही है जयराम भाई कंसारा के साथ, और हमें श्री जी वाणी के माध्यम से, वित्तक के माध्यम से, वर्षों से, और ये घटना हम कितने वर्षों से सुन रहे हैं। सिर्फ वित्तक को ही अगर सावन महीने में भी दोहराया जाए तो हम अपने वर्ष के कई सावन वित्तक सुनते हुए व्यतीत कर चुके हैं, और प्रत्येक साल एक महीने की तो हम चर्चा सुनते हैं, एक महीना तो कोई ना कोई हमें प्रबोध कर रहा होता है, चाहे हम किसी वक्ता का प्रवचन सुन करके, चाहे वाणी और वित्तक पढ़ करके प्रबोधित हो रहे होते हैं, लेकिन आज तक कभी हमने अपनी भूल, अपनी गलती स्वीकार नहीं की। इनकी तो एक बार की चर्चा में जागृति हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस घटना को उदाहरण के रूप में संपूर्ण समाज में प्रस्तुत किया जाता है कि अगर कोई सुंदर साथ, किसी सुंदर साथ की अवस्था ऐसी होती है तो उनको स्वयं को जयराम भाई कंसारा के स्थान पर पहले रखना चाहिए, और जो खंडनी उनके लिए कही गई है उन शब्दों को, उन खंडनी के वचनों को हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। हमें जज नहीं बनना चाहिए ऐसी अवस्था में। निर्णायक कौन होता है? जो वादी और प्रतिवादी दोनों से ऊपर होता है। हम तो दोनों की चरण धूलि के बराबर भी नहीं है, इसलिए हमें
सिर्फ बीतक के इस प्रसंग से सिखापन लेनी चाहिए। अब यहाँ आकर के जयराम भाई कंसारा ने अपनी भूल मानी और कहा कि ना जानी हम निस्वत, ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। अगर हमारे अंदर राज्य के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास होता, ईमान की थोड़ी सी भी खुशबू होती, तो हम ऐसा नहीं करते। ना तो हमने राज्य के साथ अपने संबंध की पहचान की, न हमने उस संबंध के आधार पर कोई रहनी को किसी रहनी को अपनाया। लेकिन अब कहते हैं, अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में। इस तीसरे और चौथे चरण का बहुत गहरा भाव है। भाव क्या है? चौपाई का कथन है, हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में। राज जी ने ये कथन है जयराम भाई कंसारा का, वो कह रहे हैं कि अब मेहर देखी श्री राज की, हमने राज्य की मेहर को देखा कि जो उन्होंने आपको भेजा, राज्य ने हमारे अवगुणों की तरफ नहीं देखा। हम कैसे भी थे लेकिन राज्य तो हमसे प्रेम कर रहे थे, प्रेम अभी भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। वो हमारे अवगुणों को नहीं देख रहे और ना भविष्य में कभी देखेंगे, इसलिए उन्होंने हमें जगाने के लिए आपको भेजा है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इंद्रावती जी वाणी में कहती हैं, रोम रोम कई कोट अवगुण, और वो वह आत्मा ऐसा कह रही हैं जिन्होंने हबसे के जेल में अपने संपूर्ण अवगुण को समाप्त करके अवगुण से वो शून्य हो चुके हैं, निष्कलंक हो चुके हैं, और अपने लिए ऐसा कह रहे हैं कि रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनहगार, ए तो कही में गिनती, पर गुनहे को नाई सुमार। और इस जागनी के ब्रह्मांड के छठे दिन की लीला में अगर हमारी अवगुण, अगर हमारी भूल, हमारी त्रुटि कोई बताता है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम उस पर आग बबूला हो जाते हैं कि तुम होते कौन हो हमारी गलती बताने वाले। राज्जी हमारे अवगुण नहीं देख रहे हैं। जब हम अर्जी गाते हैं या जब हम खिलवत की वाणी का गायन करते हैं, जिसमें एक चौपाई आती है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, उस प्रकरण का भाव ही ये है कि हमारे अंदर तो अनेक अवगुण है लेकिन राज्जी आप जैसा उचित समझते हैं आप वैसा ही कीजिए, क्योंकि हम आपके हैं। अगर हमारे अंदर इतनी भी भावना होगी कि राज्जी हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बाकी जो अवगुण हैं वो तो धीरे धीरे टूट जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है राज्जी के साथ संबंध की पहचान हो जाना, क्योंकि आत्मा जिन जीव के ऊपर बैठी है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार से अवगुण का होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन अवगुणों के विषय में हमें पता चलता है, हमें उनको दूर करने का, उनको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब जयराम भाई कंसारा कह रहे हैं कि राज्य ने हमारे अवगुणों की तरफ नहीं देखा, उन्होंने आपको हमें जागृत करने के लिए भेजा। अब इस तरह की चर्चा हुई, इस चर्चा में कहते हैं, इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सारे घर के लोग आ गए और सभी ने आकर के श्री जी को प्रणाम किया। कहते हैं, सब आए चरणों लगे जो धनी पकड़े हाथ, जिनका हाथ धामधनी पकड़ते हैं। कहते हैं, आदर रसोई का किया, इस चौपाई को सभी सुंदर साथ ध्यान से सुने। कहते हैं, आदर रसोई का किया नहवाए श्री मेहराज, किसको स्नान करा रहे हैं? मिहिरराज जी को, क्योंकि स्नान तो शरीर का ही होता है, तो मिहिरराज रूपी शरीर को स्नान करा रहे हैं। बैठाए रसोई मिने अरु गाए श्रीराज, वैसे तो भोजन भी शरीर करता है, कोई तर्क दे सकता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ का भाव क्या है कि हम मिहिर राज के शरीर को नहीं खिला रहे हैं, हम राज्य को भोग लगा रहे हैं। तो जिनको बीतक में अनेकों स्थानों पर राज शब्द से संबोधित किया गया है, जिनको चार बार अक्षरातीत कहा गया है, जिनको 222 बार हक शब्द से संबोधित किया गया है, तो उन स्वरूप के लिए अगर कोई ये कहता है कि ये श्री देवचंद्र जी के शिष्य हैं, छत्रसाल जी के गुरु हैं, या फिर किसी के भक्त हैं, अथवा निजानंद संप्रदाय के वो प्रचारक हैं,
तो ये उनकी भ्रांति है, उनका भ्रम है, जो कि इस चौपाई के द्वारा श्री लालदास जी ने उस भ्रम को समाप्त करने में एक कड़ी रखी है। अब आगे कहते हैं, प्रसाद सबों ने लेके करी पौढ़ने की अरज। भोजन ग्रहण होने के पश्चात सभी सुंदर साथ ने कहा कि श्री जी साहब, आप इतने दूर से चल करके आए हैं, थक गए होंगे आप, थोड़ी देर के लिए पौड़ी अर्थात थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, आराम कीजिए। श्री जी कहते हैं, हम न आए पौढ़ने, हमारी तो और गरज, यह हम पौढ़ने के लिए आराम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो सुंदर साथ संसारिक आराम तलबी में फंसे हुए हैं उनका भी आराम हम समाप्त करने के लिए आए हैं। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज। तुम मुर्दार मतलब इस नश्वर ब्रह्मांड को, नश्वर जगत के मोह को छोड़ो और राज्य को याद करो। अब फिर से बैठ करके चर्चा करने लग जाते हैं, और चर्चा में कैसे करते हैं, कहते हैं, फिर बैठ चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सयन। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, कौन भात तुम चलते करते माया का काज। प्रकाश ग्रंथ के अंदर एक प्रकरण है जिसमें सभी सुंदर साथ को कहा गया है कि रास प्रकाश छोड़ो जिनखिन, जो बीतक अपनी परवान जी, एछल तुमसे क्यों न छूटे, पर मैं ना छोड़ू तुम्हें निर्वाण जी। उसमें ब्रज और रास की लीला को याद करने के लिए कहा गया है कि उसको याद कीजिए। किरंतन की वाणी में भी कहा कि जो देखाई ब्रज रास में, यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। तो उसी का उदाहरण देते हुए श्री जी कहते हैं कि ब्रज में राजी तुमसे कैसा प्रेम करते थे उसे याद करो, और तुम्हारी रहनी कैसी थी, तुम्हारी चाल कैसी थी उसे याद करो। आज इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रज लीला के नाम पर केवल कृष्ण जी की कथा दोहराई जाती है, जबकि हमारी रहनी में वह लीला बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ब्रज में कृष्ण जी से मिलने के लिए गोपियां बहाने ढूंढती थी कि कभी अगर पानी घर में है तो भी उस पानी को गिरा दिया और घर वालों से कहा कि पानी लेने के लिए जाना है, पानी लेने के बहाने जाकर के कृष्ण जी से मिलती थी। कभी मक्खन बेचने के बहाने जाती थी, कृष्ण जी से मिलकर के आती थी। और यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि अगर कभी घर का काम रुक गया और हमारी खोज खबर लेने लग गए घर वाले, तो कृष्ण जी के पास हमें अगर वो लोग पाएंगे तो आपत्ति हो सकती है। उन्होंने सोचा कि हम घर का काम निपटाएंगे पहले। उनको मायावी तृष्णा नहीं थी, घर का काम करने के पीछे उनका मोह नहीं था, उनके घर का काम करने के पीछे कारण ही यही था कि हम इस काम को शीघ्रता के साथ में पूरा करें और इतनी अच्छी तरह से करें कि अगर हम कुछ देर के लिए घर में ना भी मिले तो कोई ना टोके, क्योंकि लोग घर में ना होने पर किस लिए टोकते हैं, कोई काम रुका हुआ है तभी टोकते हैं कि ये काम नहीं हुआ है। और इसके लिए कृष्ण जी से मिलने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठने के बाद घर के सारे काम करना, और वो सारे काम कैसे, आज की तुलना अगर की जाए तो आज 5 या 7 लोगों का परिवार होता है, और आज जिनको ज्वाइंट फैमिली अथवा संयुक्त परिवार कहा जाता है उसमें भी उस समय के लोगों के हिसाब से कम लोग होते हैं। अगर बराबरी भी मान लिया जाए तब भी आज अगर हमें पानी की आवश्यकता है, मोटर चालू कर दिया, भोजन रोटी बनाने के लिए आटा घर में मिल जाता है, चक्की से पीस करके आ जाता है। कभी ना बनाने की इच्छा हो, शहरों में तो आजकल बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिनके माध्यम से फ़ोन किया, घर में ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है, भोजन का बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कपड़े धोने हो, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, स्विच ऑन किया, 15-20 मिनट में अपने आप धुल जाते हैं, अपने आप सूख जाते हैं आज, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता है। दूध के लिए पैकेट वाला दूध हम खरीद करके ले आते हैं, और उस समय
10-15 लोगों का परिवार कम से कम, उनके लिए भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए भी पहले लकड़ियां इकट्ठी करके ले आओ। पानी अगर लाना है, जैसे कि हम पहले सुन चुके हैं, घड़े में भर करके नदी से लेकर के आना पड़ता था। आज अगर एक दिन के लिए हमारे घर में आने वाला जो पानी है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे फिर टंकी खराब हो जाए, मोटर खराब हो जाए, और हैंडपम्प से हमें भर करके लाना पड़े, दो लोगों का परिवार चलाना, अगर जहाँ सिर्फ पति पत्नी रहते होंगे या फिर कोई व्यक्ति किराए पर अकेला रहता होगा, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। दो मंजिल नीचे से जाकर के दो बाल्टी पानी अगर दिन में लाना पड़े तो ऐसा भी गुजारा हम एक हफ्ते तक भी नहीं कर सकते, एक दिन में ही हमारे लिए मुश्किल। लेकिन ये उनकी दैनिक दिनचर्या है, पानी भर करके ले आना है इतने परिवार के लिए। उसके बाद प्रत्येक घर में दर्जनों गायें होती थी, उनकी देखभाल करना, उनका दूध निकालना, उस दूध को गर्म करना, फिर उसको मथना। आज तो मशीन से मोटर वाले थोड़ी देर के लिए दही के बीच में डाल दिया और स्विच ऑन किया, थोड़ी देर में मक्खन अलग। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था, उस समय में मथानी से मथना पड़ता था। और आज तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है सामान्य रूप से, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, सोचिए कितना थक जाते होंगे। उसके बाद अगर वस्त्र धोने हो, नदियों में जा कर के वस्त्र धो, फिर उनको संभालो। ऐसे सारे काम करने के बाद भी प्रत्येक दिन कृष्ण जी से मिलने के लिए बहाने वो ढूंढते थे कि और सारा काम निपटाने के बाद अब वो तैयार रहते थे कि कब कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे और कब हमें इशारा मिलेगा, हम जाएंगे कृष्ण जी से मिलेंगे। वो था बहाने ढूंढना कृष्ण जी से मिलने के लिए। और आज इस जागने के ब्रह्मांड में हमारे पास समय ही समय है, तब बहाने ढूंढते थे मिलने का, अब न मिलना पड़े इसके लिए बहाने बनाते हैं। आज हमारे पास बहाने होते हैं कि हमारे कभी घर वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास ये काम है, वो काम है, हमें काम करना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन देखना पड़ता है, होमवर्क देखना पड़ता है। तो ये सब केवल बहाने हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आप में से जितने भी सुंदर साथ हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने थिएटर में जाकर के कभी मूवी ना देखी हो। कोई विरला होगा, जो बड़े बुजुर्ग होंगे जिनके समय में शायद थिएटर ना हो, तो फिल्म हॉल में जाकर के सभी फिल्म देखते हैं, या फिर बाजार जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, या फिर घरों में ही टीवी देख लेते हैं। अब 2 घंटे की मूवी देखने के लिए अगर हमें बाजार जाना है, फिल्म हॉल जाना है, तो हमें 3 घंटे का समय कम से कम निकालना पड़ता है फिल्म के लिए, 2 घंटा, उसके बाद आने जाने का समय बस जो लगता है वो, उसके लिए तैयार होने का समय लगता है वो। लेकिन जिस दिन हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, उस दिन हमारे समय में, हमारी घड़ी में 24 घंटे का ही दिन रहता है। 24 की जगह पे 27 घंटे का तो नहीं हो जाता, 3 घंटा एक्स्ट्रा हमें नहीं मिलता। लेकिन हम उस दिन क्या करते हैं, समय से, जो नियमित समय है उससे पहले उठ जाते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर के, परिवार के सब लोग मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हैं ताकि काम जल्दी से जल्दी निपट जाए और उसके बाद हम फिल्म देखने के लिए जा सकें। और हो सकता है आपके पास फोन तो तब भी रहता है, लेकिन उस अवस्था में आप क्या करते हैं, 3 घंटे के लिए आप फोन बंद कर देते हैं कि फिल्म देखते हुए कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन राज्य को हमने इनसे भी सस्ता बनाया है कि 3 घंटे का तो समय वैसे भी नहीं मांग रहे हैं, कम से कम 1 घंटे का समय तो निकाला जा सकता है। उस 1 घंटे के लिए, अगर 3 घंटे के लिए कोई फोन बंद कर सकता है, तो उस 1 घंटे के लिए भी साइलेंट करके रखा जा सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ब्रज का उदाहरण देकर के, ब्रज मंडल का बार बार उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो उदाहरण 4थे दिन की लीला में भी सटीक थी, 5वें दिन की लीला में भी उपर्युक्त, और आज के समय में 6ठे दिन की लीला में भी यह प्रासंगिक है। इसीलिए ब्रज का उदाहरण देकर के श्री जी ने जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित किया, जिससे हम सभी सुंदर साथ को, क्योंकि जयराम भाई कंसारा की तो एक बार की चर्चा से जागृति हो चुकी है उन्होंने, क्योंकि इससे पहले ही हम कह चुके हैं श्री राज्य की पहचान करके उन्होंने आरोग आया है, फिर भी खंडने के वचन उनको सुनने पड़ रहे हैं। अब हम तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जयराम भाई कंसारा की स्थिति से तो हम बहुत पीछे हैं। अभी कहते हैं
कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास, तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। तुम कुटुंब परिवार के बीच में तो रहते थे, सारे कार्य भी करते थे, लेकिन केवल कर्तव्य की भावना से। उनसे तुम उदासीन रहते थे, उदासीन का मतलब उनके मोह के बंधन में तुम नहीं थे, क्योंकि अगर उनके मोह के बंधन में होते, एक बात मैं इस बात को पूरी करने से पहले जोड़ना चाहता हूँ, आज सुंदर साथ शरद पूर्णिमा में जब भी पन्ना जी पहुँचते हैं, जो भी पहुँचते हैं या फिर जो नहीं पहुँच पाते हैं और अपने अपने निकटस्थ धार्मिक स्थानों में, मंदिर में, आश्रमों में जाते हैं, तो वहाँ पर शरद पूर्णिमा में जागनी रास के नाम पर डांडिया अथवा नृत्य किया करते हैं। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि जागनी रास क्या है, और वह हमें इस प्रसंग से समझ में आ जाती है। जागनी रास क्या है कि जिस तरह से उस समय में ब्रज से रास में जाते समय ब्रह्म सृष्टियों की जो भूमिका है वह पहले से ही बनाई गई थी। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक प्रत्येक पल राज्य से ब्रह्म सृष्टियां जुड़ी हुई थी, माया का काम करते हुए भी माया से उदासीन थे। अगर वह अपने घर वालों के मोह में होती, अगर उनसे थोड़ा सा भी लगाव होता, तो बांसुरी का धुन सुनने के बाद कोई भी ब्रह्म सृष्टि, कोई भी गोपियां इतनी जल्दी शरीर छोड़कर के योगमाया के ब्रह्मांड में नहीं पहुंच पाती। सभी मोह से ऊपर उठ चुके थे, सभी संसारिक लौकिक संबंधों के भार से ऊपर उठे हुए थे, जिस कारण जैसे ही कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो वो तुरंत तैयार हुए। इस जागने के ब्रह्मांड में भी हम, अगर गृहस्थ जीवन में भी है कोई सुंदर साथ, संसारिक कोई बंधन भी है, तो उसको हम मोह का बंधन ना बनाएं, उसको अगर हम कर्तव्य का बंधन बनाते हैं तब तो ठीक है। और जब हम कर्तव्य समझ करके परिवार में रह रहे होते हैं तो सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर एक घर में चार लोगों का परिवार है, चाहे छह लोगों का, कितने भी सदस्य हैं, और अगर सभी सुंदर साथ हैं तब तो और भी आसान है। सब सुंदर साथ मिल करके, परिवार के सभी लोग मिल करके अपने घर का काम समाप्त करें, और घर का काम समाप्त करने के बाद सभी लोग मिल करके साथ में राज्य को याद करें, तब तो ब्रज वाले प्रेम को अथवा ब्रज वाली लीला को याद करना सार्थक माना जाएगा। अन्यथा केवल डांडिया खेलने के लिए और सिर्फ हाथी घोड़ा पालकी बोलने के लिए अगर हम ब्रज लीला को याद करते हैं तो उस ब्रज लीला का को याद करने का कोई फायदा नहीं है। ब्रज और रास को याद करने का तात्पर्य यही है, जैसा कि किरणतन की चौपाई में पहले ही कह चुका हूँ, कि जो देखाई ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्मसृष्ट। ब्रह्म सृष्टियों का वतन की तरफ चलने का जो चाल है वह वही है जैसा ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रज और रास में चल करके दिखाया था। तो हमें भी इस जागने के ब्रह्मांड में पल पल उसी तरह से राज्य को याद करना है जैसा हमने ब्रज में किया था, क्योंकि हम ही थे ब्रज रास में, हम ही आए इत, यहाँ पर भी हम ही ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। इसलिए उस लीला को याद करें। जयराम भाई कंसारा के इस प्रसंग से हम ये सिखापन लें कि हमें माया में अगर हम अब तक हैं तो अब हमें सावधान हो जाना है, ब्रज वाली रहनी को अपनाना है, तभी हम जागनी रूपी रास खेल पाएंगे श्री राज जी के साथ में, क्योंकि रास का मतलब होता है आनंद की लीला। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में अपने प्रियतम के साथ में आनंद की लीला हम तभी कर पाएंगे जब हम जागनी रास के लायक होंगे, उसके योग्य होंगे। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि आगे किस तरह से, अभी तो जयराम भाई कंसारा का प्रसंग काफ़ी है, कैसे उन सब सुंदर साथ की परीक्षा होती है दीप बंदर में, और किस तरह से इसके बाद दीप बंदर के बाद आगे की जागनी होती है महावजी भाई की जागनी, और अब तो जागनी का दौर चलना है। सुंदर साथ एक के बाद एक जुड़ते आएंगे सैकड़ों की संख्या में, तो ये सुंदर साथ की जागनी कैसे होती है, जयराम भाई कंसारा और उनके परिवार की परीक्षा कैसे होती है, उस परीक्षा में किस तरह से वो सफल होते हैं, उनकी सफलता से और उन सफलता के पीछे किए गए प्रयास से हमें सिखापन कैसे मिलती है, इसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई तो रहिए। कुटुंब परिवार सब थे
रहते चित उदास, तुमको एक श्रीराज बिना और ना रहती आस, और ना रहती आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।